फंस गए हो मेरी जाल में। इस मायावी लोक में जो भी घटना घटित होती है सब काल्पनिक है। परशुराम से मिलने का शुभ मुहूर्त आने वाला है, शीघ्र ही शीघ्र चल। दाऊ, मुझे तो ये पांचों ही गुरु परशुराम के प्रति रूप लग रहे हैं, और हम यही मानकर इन्हें प्रणाम करते हैं। दाऊ, विप्रवर, हमारा श्रद्धा पूर्ण नमन स्वीकार करें। तुम दोनों अभी भी शशांकित मन से देख रहे हैं। अभिवादन की पूर्णता तभी होती है जब आस्था और भक्ति में पूर्णता। श्रद्धेय गुरुजी, आपके वचनों से हमें इस बात का बोध हो रहा है कि आपने हमारा समर्पण अभी स्वीकार नहीं किया है। सही कहा तुमने, लेकिन इस बात का तुम्हें याद करना पड़ेगा कि मैं कौन उसी के पश्चात मैं तुम दोनों का अभिवादन स्वीकार कर। दाऊ, हमें ये परीक्षा देनी होगी। काना, मुझे तो लगता है कि गुरुजी ने अपने ही पांचों रूप बनाए हैं। गुरुजी, आपने स्वयं के बहुत ही सुंदर प्रतिरूप बनाए हैं। ब्रह्मा जी से भी सुंदर और विलक्षण है, परंतु एक सूक्ष्म टूटी रह गई, बड़ी कठिनाई से पकड़ में आई है। हाँ कान, अब मुझे भी दिखाई दे रही है गुरुवर की वो चूक। कैसी चूक? कैसी चूक? कौन सी त्रुटि? कौन सी त्रुटि? आपका इस प्रकार अलग प्रतिमाओं से आना यही स्पष्ट कर देता है कि आप सत्य रूप हैं और बाकी चार आपके प्रतिलिपियां। प्रज्ञावान भव, तुम दोनों ही सफल हुए। अब बताओ अपना यहां आने का कारण। अधर्मियों के संहार में जब कोई बाधक बन जाए तो जन साधारण को हानि से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तुम जरासंध की बात कर रहे हो, लेकिन उसका हल परिस्थिति से भागना नहीं, उसका समाधान है युद्ध। और जिस परिस्थिति को तुम छोड़कर आए, मैं अभी उसी को देख रहा हूं। कुआले कृष्ण और बलराम का कुछ पता चला? नहीं महाराज, अभी तक नहीं। इन मथुरा वासियों का क्या करना है? वध कर दो और इनके सर काट कर राजा उग्रसेन के यहां भेज दो, और साथ ही साथ उनको यह संदेश भी पहुंचा दो कि जब तक कृष्ण और बलराम उन बाकी 980 मथुरा वासियों को लेने यहां तक नहीं आएंगे, तब तक मैं इन मथुरा वासियों का वध करके इन्हें वन्य प्राणियों को खिलाता रहूंगा। जो आज्ञा महाराज, ले जाओ इन्हें यहां से। इस बार बाल रूप में आए हो, बहुत स्नेह पा रहे, और ये छोटी मोटी भूल तुम्हारे इस रूप को शोभा देती। गुरुवर, युद्ध लड़ने में बाल रूप काम नहीं आता, वहां युद्ध कौशल अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। गुरुवर, जरासंध के पास विशाल सेना है, कितने साथी महारथी
हाथी घोड़े और रथ है। तो क्या हुआ? उसके पास बलराम और कृष्ण नहीं, उसके पास भगवान विष्णु का अवतार नहीं और ना ही अस्त्र शस्त्र। वो तो अभी मेरे पास भी नहीं, विष्णु धारित अस्त्र और शस्त्र। मैं तुम्हें वो सारे अस्त्र शस्त्र दे दूं। जब भी तुम्हें आवश्यकता हो तुम इनका प्रयोग कर सकते हो और इन पर तुम्हारा ही अधिकार। और ये रहे तुम्हारे अस्त्र और शस्त्र। ये रही तुम्हारी तलवार। और ये रहा तुम्हारा कमौदी गधा। ये रहा तुम्हारा फरसा। और ये रहा तुम्हारा सारंग धनुष। जब जब तुम इच्छा प्रकट करोगे ये अस्त्र और शस्त्र तुम्हारे लिए उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद गुरु। अब तुम्हारे प्रस्थान करने का समय हो गया। मथुरा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। विजयी भव। श्री कृष्ण को बुला लीजिए माँ, बहुत निर्दयी है जरासन। वो मथुरा वासियों को लेके गया है, उनमें से किसी को नहीं छोड़ेगा। मेरे पति और मेरे दोनों बच्चे उसी के शिविर में हैं। मैं कहाँ जाऊँ? मैं किससे गुहार लगाऊँ? श्री कृष्ण और बलराम तक संदेश पहुँचा दिया गया है, आप लोग चिंता मत कीजिए। श्री कृष्ण आ गए। तुम दोनों कुशल तो हो? मैया, जब मथुरा में रक्त और आंसू बह रहे तुम कुशल कैसे हो सकते? श्री कृष्ण और बलराम आप कहाँ गए थे? हम अनाथ तो जैसे हो गए थे। धैर्य रखिए, जरासंध को एक एक आंसू का उत्तर देना होगा। लाओ, चलिए समय कम है। ये है मथुरा का पहला सिर जो कृष्ण को याद कर कर उसके नाम पर बलिदान होने जा रहा है। बचा लो हमें। शंभो, भाग्य से मिले जीवन दान और क्षमा को अपना अधिकार मान रहे हैं। भाग्य साथ दे सकता है, करुणा जीवन दान दे सकती है, परंतु मनुष्य की भूल उसे कभी क्षमा नहीं करती, उसे उसका दंड अवश्य मिलता है। और अब से आपका अंत शुरू हो चुका है। मुझे पता था कि तुम अपनी मृत्यु से भाग नहीं सको, आना ही होगा तुम्हें मेरे हाथों मरने। मृत्यु किसकी होगी ये तो समय बताएगा, किंतु एक बात याद रखना कि निहत्ते नगर वासियों के गले पे तलवार चलाने वाला योद्धा नहीं कायर ही कहलाता है। और युद्ध क्षेत्र को छोड़कर जाने वाले को क्या कहते हैं ग्वाले? यदि तुम्हारे शरीर में वीरता बहती है तो नगर वासियों को ढाल मत बनाइए। युद्ध हमारे बीच हो सकता है, युद्ध सेनाओं के बीच हो सकता है, परंतु मथुरा की प्रजा को बंधक बनाकर युद्ध नहीं हो सकता, समझे? तुम युद्ध लड़ोगे मुझसे, तुम अपने इन मथुरा वासियों को बंधन मुक्त करवाने आए हो तो ले जाओ इन्हें छुड़ाकर। तो फिर ठीक है, युद्ध ही करेंगे। मुझसे तो युद्ध बाद में लड़ोगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें यह सिद्ध करना होगा
कि तुम मुझसे युद्ध करने के योग्य हो भी या नहीं। यदि तुम मुझसे युद्ध करने की इच्छा रखते हो तो पहले हलधर बलराम इसे मेरे प्रथम सेनापति हंस को रणभूमि में मल्लयुद्ध करके हराना हो। चतुर साहसी कृष्ण मेरे दूसरे सेनापति दुदुम्बी को हरा कर दिखाए। यदि तुम दोनों इसमें सफल हो गए तो मैं तुम्हारे इन मथुरा वासियों को बंधन मुक्त कर दूंगा, और यदि तुम दोनों सफल ना हो पाए तो इनके साथ साथ तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित होगी। बोलो, स्वीकार है तुम्हें? स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। शंभो सुंदर, अति सुंदर, मुझे भी प्रसन्नता होगी रणभूमि में हंस के हाथों तुम्हारी मृत्यु को देखकर। एक प्रहर के बाद होगी ये बल परीक्षा। शंभो। सेनापति हंस, हंस पर दाऊ के इतने कठोर और शक्तिशाली प्रहार कोई पीड़ा नहीं दे रहे। इन प्रहारों से तो दाऊ ने चट्टाने तोड़ दी, धरती के भीतर दरारें डाल दी। इसका अर्थ है कि हंस को कोई सिद्धि प्राप्त है। उसे शिव का वरदान है, इसलिए उसे आपके प्रहारों की पीड़ा नहीं हो रही। पूरा शरीर तो पीड़ा से सुरक्षित नहीं हो सकता ना? हाँ तो तभी तो वो आपके प्रहार सारे ऊपरी अंग पर ले रहा है, कमर के नीचे नहीं मारने दे रहा वो आपको। इसका अर्थ यह है खाना, जहाँ वो प्रहार बचाता है वही भाग वज्र का नहीं है। एक प्रतियोगिता और शेष है, कृष्ण को अभी दुदुम्बी से लड़ना है।
और दुदुम्बी को शिव से जो वरदान प्राप्त है वो उसे इस पृथ्वी का सबसे सुरक्षित व्यक्ति बनाता है। सेनापति दुदुम्बी। उपस्थित हूं मगध नरेश। मुझे कल इस पहर से पहले कृष्ण का मृत शरीर चाहिए। जो आदेश। समय नष्ट न करें। आज सूर्यास्त से पहले इस खेल को खत्म करना है। काना, इसके शरीर का निर्बल भाग हंस की तरह नहीं है। यदि उसके समान नहीं है तो फिर वो क्या हो सकती है? ये सूर्यास्त होने से इतना विचलित क्यों हो रहा है? इससे पहले भी ये सेनापति से सूर्यास्त से पहले द्वंद समाप्त करने की बात कर रहा था। इसका अर्थ है कि सूर्यास्त और जय पराजय में कोई संबंध अवश्य है। इनका भी किसी सिद्धि से संबंध है। यदि मैं सूर्यास्त में देर कर दूं तो रहस्य का ज्ञात हो जाएगा। सेनापति जी,